गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर. टूडे वी डिस्कस अबाउट DNA रेप्लिकेशन. इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ माई प्रीवियस लेक्चर, दैट इज जनरल अकाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. द टॉपिक DNA रेप्लिकेशन अर्थात DNA प्रतिलिपिकरण मे बी कंप्लीटेड into 5 points: introduction and discovery, functions of DNA, in which DNA replication, transcription and translation, methods of DNA replication, dispersive, conservative and semi-conservative. Now, characteristics of semi-conservative method for DNA replication and evidences of semi-conservative method of DNA replication. These are Meselson and Stahl's experiment and Karen's experiment. Now, we start introduction. As we know, DNA consists of 4 kind of nucleotides. These are monomer units of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, etc. Or we can say units of purine and pyrimidine attached to a phosphoric acid residue through a pentose sugar, according to Friedfelder 1978. अर्थात 1978 में Friedfelder वैज्ञानिक ने DNA के निर्माण में 4 न्यूक्लियोटाइड्स का योगदान बताया, जिसमें प्यूरिन या पिरिमिडिन फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़े रहते हैं थ्रू ए पेंटोस शुगर. इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट नाइट्रोजिनस बेसिस, दीज आर प्यूरिन और पिरिमिडिन्स, ए फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एंड पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोस. इन DNA द न्यूक्लियोटाइड अटैच वन अनदर इन स्ट्रैंड्स. The phosphoric acid and pentose forming the backbone of the spiraling structure of Watson-Crick DNA model. As we know, Watson-Crick model of DNA में nucleotides एक दूसरे strand से जुड़े रहते हैं. The phosphoric acid and pentose sugar, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोस शुगर स्पाइरली स्ट्रक्चर की बैकबोन का निर्माण करते हैं. द टू कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टूगेदर बाय रिलेटिवली वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देयर रेस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन बेसिस. इस प्रकार दो पूरक DNA के दो पूरक स्ट्रैंड्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए रहते हैं बिटवीन देयर रेस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन बेसिस के बेसिस. इनमें थायमिन टू एडिनिन एंड ग्वानिन टू साइटोसिन. इनमें एडिनिन थायमिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ में जुड़ा रहता है. ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन सर्व्स एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए न्यू DNA मॉलिक्यूल. प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नए DNA मॉलिक्यूल के संश्लेषण में एक टेम्पलेट या सांचे का कार्य करते हैं. DNA रेप्लिकेशन फॉलोज द बेस पेयरिंग रूल्स बाय विच ए पेयर्स
only with T and G with C, and as a consequence of this, each daughter molecule is an exact replica of the parent molecule. DNA replication के दौरान base pairing नियम कार्य करता है, जिसमें adenine हमेशा thymine के साथ में तथा guanine cytosine के साथ में जुड़ता है, और as a consequence of this, इस प्रकार के जो result है उसके पश्चात प्रत्येक daughter molecule पेरेंट मॉलिक्यूल का की एक प्रतिकृति होती है। इस प्रकार किसी जीव के संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान उनके जीनोम की अनेक प्रतियां उत्पादित होती हैं। इस उत्पादन के लिए उनके जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की बारंबार प्रतिकृति रेप्लिकेशन होती है। प्रतिकृति की प्रक्रिया ऐसी होती है जो उस डीएनए अणु की त्रुटिहीन प्रति उत्पादित करती है। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन मुख्यतः तीन प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट इज डिस्पर्सिव अर्थात परिक्षेपी, कंजर्वेटिव अर्थात संरक्षी, तथा सेमी कंजर्वेटिव अर्थात अर्ध संरक्षी। फर्स्ट डिस्पर्सिव मेथड, इसमें पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और डीएनए सिंथेसिस के बाद प्राप्त डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में पुराने एवं नए सिंथेटाइज्ड खंड उपस्थित होते हैं। नाउ सेकेंड मेथड संरक्षी और कंजर्वेटिव मेथड, इसमें पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल की बिना टूटे हुए प्रतिकृति होती है तथा रेप्लिका से प्राप्त दो डॉटर मॉलिक्यूल्स में से एक में केवल पेरेंट मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड और दूसरे में नए सिंथेसाइज्ड दोनों स्ट्रैंड उपस्थित होते हैं। जबकि सेमी कंजर्वेटिव मेथड में डीएनए मॉलिक्यूल की प्रतिकृति बिना टूटे होती है और दोनों ही डॉटर मॉलिक्यूल्स में एक ऑड और दूसरा न्यू स्ट्रैंड सम्मिलित होता है। नाउ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का मॉडल प्रस्तावित किया और उसके साथ ही डीएनए रेप्लिकेशन की मेथड संभावित विधि भी प्रस्तावित की। उनके अनुसार डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स किसी एक स्थान पर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजिनस बेसिस अनपेयर्ड होते हैं, जिसके द्वारा सिंगल स्ट्रैंडेड प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजिनस बेसिस से उनके पूरक कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सी राइबोटाइड्स के नाइट्रोजिनस बेसिस से पेयरिंग करते हैं। इन डीऑक्सी राइबोटाइड्स के फॉस्फेट एंड शुगर मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने से नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण होता है। इस प्रकार डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होते जाते हैं
और उनके सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स का निर्माण होता जाता है। इस सेमी कंजर्वेटिव मेथड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन की मुख्य विशेषताएं हैं, डीएनए डबल हेलिक स्ट्रक्चर के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे, एक स्ट्रैंड पर स्थित नाइट्रोजनस बेसिस का पूरक डी ऑक्सीराइबोटाइड्स से पेयरिंग करेगा, डी ऑक्सीराइबोटाइड्स के आपस में जुड़ने से नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण होगा, नए स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस का प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस का पूरक होगा। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक डॉटर डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एक नया तथा एक पुराना स्ट्रैंड उपस्थित होगा। चूंकि रेप्लिकेशन की इस विधि के अनुसार रेप्लिकेशन से प्राप्त दो डीएनए मॉलिक्यूल्स में से प्रत्येक मॉलिक्यूल का एक स्ट्रैंड पूर्ववर्ती अथवा पैरेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रैंड है, जबकि दूसरा नया सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। अतः इसे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन या अर्ध संरक्षी प्रतिकृति कहते हैं। जिस डीएनए मॉलिक्यूल की प्रकृति होती है उसे पैरेंट मॉलिक्यूल या टेम्पलेट मॉलिक्यूल कहते हैं, और रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त होता है उसे प्रोजेनी और डॉटर मॉलिक्यूल कहा जाता है। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन की अर्ध संरक्षी विधि अर्थात सेमी कंजर्वेटिव मेथड की प्रायोगिक पुष्टि टेलर एंड को वर्कर्स ने 1957 में तथा मिशेलसन एंड स्टॉल ने द्वारा की गई। हेंस वाटसन क्रिक प्रपोज दैट वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल इज न्यूली सिंथेसाइज्ड, वेयर एज द अदर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंटल एटम इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। वाटसन एंड क्रिक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक डॉटर डीएनए का एक स्ट्रैंड मॉलिक्यूल नया न्यूली सिंथेसाइज होता है, जबकि दूसरा पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार का जो वितरण है उसे सेमी कंजर्वेटिव मेथड के नाम से जाना जाता है। ए क्रिटिकल टेस्ट ऑफ दिस हाइपोथेसिस वाज कैरिड आउट बाय मैथ्यू मिशेलसन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। इस प्रकार डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव मेथड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए के एविडेंस में दो प्रकार एविडेंस में मिशेलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। इस प्रकार डीएनए रेप्लिकेशन की अर्ध संरक्षी विधि अर्थात सेमी कंजर्वेटिव मेथड के प्रमाण में दो प्रकार के प्रयोग दिए गए। पहला है मिशेलसन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट यूजिंग N15 और दूसरा कैरेंस ऑटो रेडियोग्राफी एक्सपेरिमेंट। धन्यवाद।